रजिस्ट्रेशन की वो संभव है। आने वाले श्रद्धालुओं का जो रजिस्ट्रेशन कराने की बात आ रही है वो हो नहीं पाएगा, करोड़ों लोग आएंगे, आप कहाँ कराते रजिस्ट्रेशन कराते रहेंगे। तीसरी बात यह है कि जो व्यक्ति आएगा, आपने ये कहा है भेज रहे हैं ईश्वरीय निमंत्रण, हम भी भेज रहे हैं निमंत्रण, तो जिसको हम निमंत्रण भेजते हैं वो भगवान स्वरूप होता है, तो आने वाला श्रद्धालु हमारे लिए भगवान है। अब उसको हम लाइन थोड़ी खड़ा करेंगे, आए दर्शन करे, दर्शन करके अपना जाए स्नान करे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो लोग एक भय हवा बना दिए हैं कि एक टेंट में कोरोना आ जाएगा सबको हो जाए, क्यों हो जाएगा भाई, ऐसा सब गलत बात है ये, इसको भ्रम न फैलाया जाए। हम फिर कह रहे हैं, हम तो आज 6 महीने से ही कह रहा हूँ कि मेला सकुशल संपन्न कराने का दायित्व उत्तराखंड सरकार के उनके अधिकारियों का है। नहीं, ये जनरल नहीं किया, कुंभ स्नान पर किया खाली, ये ऐसा नहीं किया कि रोज के लिए रहेगा, कुंभ जब कुंभ का प्रमुख पर्व होगा उस के लिए किया, क्योंकि वो हाईकोर्ट ने मांगा है कि कोरोना से बचाव के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, तो शायद वहाँ भी लिख के देना जरूरी है। दर्शन के संबंध में मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी स्टेट के जितने भी एंट्री पॉइंट है और जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पहले से चली आ रही है, और रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कोई नई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि हर जनपद में अगर आप देखेंगे स्मार्ट सिटी पोर्टल में जो भी व्यक्ति स्टेट की बाउंड्री में या इंटर स्टेट एंट्री कर रहे हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाना ऑलरेडी पहले से एडवाइजरी है, और रजिस्ट्रेशन हेतु पहले से भी अपील किया गया, इसी क्रम में दोबारा अपील किया जाना है।